Hello everyone. So in the last class we talk about the solution of the KdV equation that is known as the soliton. So for today we will talk about the scaling invariant solution or the similarity under scaling of porous medium equation. So the statement is here, you have to find out the scaling invariant solution of the porous medium equation, and the porous medium equation is this one, ut minus delta of u gamma u raised to power gamma is equal to 0 in Rn cross 0 to infinity. Okay, u is greater than or equal to 0 and gamma is greater than 1 is constant. Is solution ki baat kare hum. So first of all, I suppose that uxt will be the solution of the equation 1 where u is Rn to R is unknown. Okay, so I suppose first one you have to remember that ke iska solution hum ye suppose karke chalenge, let uxt will be equal to 1 upon t raised to power alpha into v of x by t raised to power beta, where alpha and beta are the constant, you have to be determine alpha and beta. Of course, जो अगर आप इसे solution में मान रहे हैं तो हमें ये दोनों value भी निकालने के, alpha और beta आपके क्या होगे. So for now, so जो भी मैं करता जा रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको steps ध्यान रखने हैं. Okay, जिसको भी मैं box करता जा रहा हूँ. So अभी उस समय के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स अपन टी रेस्ट और बीटा को, फॉर द कन्वीनियंस मीन्स लिखने में थोड़ी इजी रहे, सो इसको मैं वाई कॉल कर देता हूँ, एक्स बाई टी रेस्ट और बीटा को वाई कॉल कर देते हैं. तो यू एक्स टी क्या बन जाएगा, वन अपन टी रेस्ट और एल्फा इंटू वी ऑफ वाई, सो दैट विल बी योर यू. सो आपकी इक्वेशन आपकी क्या है, यू टी माइनस डेल्टा ऑफ यू रेस्ट और गामा. तो सबसे पहले यू टी निकाल लेते हैं, फिर यू रेस्ट और गामा लेकर उसका डेल्टा ले लेंगे. तो यू टी आपका क्या होगा, इसका डायरेक्टिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन आपका ये क्या है, वन अपॉन टी रेस्ट वार अल्फा इंटू वी ऑफ एक्स बाई टी रेस्ट वार बीटा. तो दोनों के दोनों फंक्शन टी के हैं, सो प्रोडक्ट विल बी अप्लाइड. सो यू टी पहले का डेरिवेटिव लोगे, माइनस अल्फा वो टी रेस्ट वार अल्फा प्लस वन इंटू वी वाई प्लस वन बाई टी रेस्ट वार अल्फा एज इट इज. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ, क्योंकि वाई बिलोंग्स टू आर एन है. ओके, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो डी ऑफ वी वाई. ओके, डी मतलब डी वाई कह सकते हो आप इसे, डी ऑफ वी वाई इंटू y का डायरेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू t, चेन रूल इज देयर. सो ये सब चीज एज इट इज, द रेस्ट ऑफ थिंग्स दिस चीज भी एज इट इज. अब y, y हमने क्या माना है, x अपॉन t रेस्ट टू आर बीटा, अगर मैं उसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वो माइनस ऑफ बीटा बाय माइनस ऑफ बीटा, माइनस ऑफ बीटा बाय t रेस्ट टू बीटा प्लस वन इंटू में x, x एज इट इज होगा. ओके, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता ताकि दिख जाए, राइट में हमने किया हुआ, सॉरी यू कैन रीड ओवर देयर आल्सो. यू वैल्यू प्लेस बैक की, अब माइनस बीटा अगर मैं इसको रीराइट करके लिखता हूँ, माइनस बीटा बाई टी को अलग लिख देता हूँ, एक्स अपॉन टी रेस्ट टू बीटा को अलग लिख देता हूँ, लेकिन एक्स अपॉन टी रेस्ट टू बीटा क्या था, वाई, तो इसको वाई लिख दिया और बीटा बाई टी को अलग से लिख लीजिए, इसके साथ कलेप्स कर दीजिए इसे, तो क्या बन जाएगा, माइनस बीटा बाई टी रेस्ट टू अल्फा प्लस वन. सो यू विल गेट यू टी, तो यू टी आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन. ओके, नाउ सेकंड टर्म हमारी क्या थी, जो आपकी इक्वेशन है उसमें सेकंड टर्म हमारी क्या है, डेल्टा ऑफ यू गामा, यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा ऑफ यू गामा. सो डेल्टा ऑफ यू गामा निकालने के लिए सबसे पहले यू रेस्ट टू आर गामा आपको निकालना है, लेकिन यू आपका क्या है, वन बाई टी रेस्ट टू आर अल्फा इंटू वी ऑफ वाई, तो उसकी पावर गामा लेता हूँ तो क्या बन गया, वन अपॉन टी रेस्ट टू आर अल्फा की गामा लोगे तो वन अपॉन टी रेस्ट टू आर अल्फा गामा इंटू वी वाई पावर गामा. सो डेल्टा ऑफ यू गामा हमें निकालना है, सो दैट मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में, कल स्क्वायर बाय कल एक्स स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू वन टू एन ऑफ यू गामा, एंड दैट मीन्स इसका डबल डेरिवेटिव एक्स आई के रिस्पेक्ट में हमने निकालना है. तो अगर हम एक्स आई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, सो अगर मैं उसका सिंगल डेरिवेटिव करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो आपका टी का फंक्शन है, तो ओनली डेरिवेटिव होगा तो इसका होगा वी वाई रेस्ट पावर गामा, क्योंकि वाई आपके क्या, एक्स अपॉन टी रेस्ट पावर बीटा. तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप क्या आएगा, चेन रूल अप्लाई कर दीजिए, ये तो वाई का फंक्शन है तो पहले इसका वाई का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई होगा. ओके, सो हमने इसका वाई आई के रिस्पेक्ट में किया, वाई आई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, तो जो ये टर्म है ये तो एडिटीज रहेगी. तब वाई आई हमारा क्या है, वाई आपने किससे सपोज किया है, राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि वाई हमने सपोज किया था एक्स अपॉन टी रेस्ट टू आर बीटा, लेकिन ये बिलोंग्स टू आर एन है, तो कहने का मीनिंग्स का आईएथ कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, आईएथ कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन टी रेस्ट टू आर बीटा. तो अगर मैं इसका एक्स आई के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली निकालता हूँ तो क्या आएगा, वन अपॉन टी रेस्ट टू आर बीटा जो हमने यहाँ पे प्लेस किया. सो इसको कलेक्ट करते हैं तो ये पावर आगे आ गई, वन अपॉन टी रेस्ट टू आर अल्फा गामा प्लस बीटा हो गया. अब दोबारा से डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, जब दोबारा से इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई तो वन अपॉन टी रेस्ट टू आर अल्फा गामा प्लस बीटा अलग हो गया इसका एक्स आई के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये तो वाई का फंक्शन है, फिर दोबारा से चेन रूल, पहले इसका वाई के रिस्पेक्ट में, वाई आई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई आई का दोबारा एक्स आई के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी हमने देखा है वाई आई का एक्स आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या था, वन अपॉन टी रेस्ट टू आर बीटा, उसको हमने आगे ऐड कर दिया तो पावर क्या बन गई, वन अपॉन टी रेस्ट टू आर अल्फा गामा प्लस टू बीटा और इनटू में ये क्या बन जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई आई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव. ओके,
उसके बाद हमने क्या निकालना था, डेल्टा एक्स, डेल्टा ऑफ यू रेस्ट वर गैमा, दैट मीन डेल्टा ऑफ एक्स। तो हमने क्या लेना है, समेशन लेना है। तो जो ये आपने पढ़ी है इक्वेशन, दिस वन, इसका समेशन लेना है। जस्ट यू टेक द समेशन बोथ साइड। सो व्हेन यू टेक द समेशन, सो यू से दैट समेशन ये ले रहे हैं तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, इसे बाहर ले लेंगे समेशन के, दैट विल बी देयर। तो कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल वाई स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया आपका, डेल्टा ऑफ वी गामा वाई, डेल्टा, लेकिन डेल्टा ऑफ वाई कह सकते हो इसे, या डेल्टा बोल दीजिए, ओके, डेल्टा ऑफ वाई, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, वो डेल्टा ऑफ एक्स था, ये डेल्टा ऑफ वाई है वी गामा का, ओके। तो डेल्टा ऑफ वाई यू कैन राइट। अब जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गया है, डेल्टा एक्स ऑफ यू गामा भी आ गया एंड यू ऑफ टी भी आ गया, दोनों की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ओके, इसे सोल्व करना है। लेकिन इसे सोल्व करने के लिए ये हमारी प्रॉब्लम कर रही है कि टी रेस्ट वर अल्फा प्लस वन है, यहाँ टी रेस्ट वर अल्फा प्लस वन, यहाँ टी रेस्ट वर अल्फा गामा प्लस टू बीटा। सो फॉर सॉल्विंग इट टू मेक द सिंपल एक्सप्रेशन, सो हम क्या करते हैं कि पावर को सेम ले लेते हैं, अल्फा प्लस वन और अल्फा गामा प्लस टू बीटा को सेम लेके चल लेते हैं, ओके। सो वी टेक दैट, सो इसे भी मैं बॉक्स कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा गामा प्लस टू बीटा, ओके। और वैसे भी जो हम मान के चले सॉल्यूशन, उसमें अल्फा और बीटा आपको निकालना है, सो ये आपकी हेल्प करेगी बाद में। सो अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा गामा प्लस टू बीटा, तो अगर ये सभी पावर इक्वल होगी तो कॉमन लेके उसे राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, वो जीरो हो जाएगा, तो आपकी सिंपल बन जाएगी पीडी इक्वेशन एंड दैट विल बी दिस वन, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, अल्फा ऑफ वी वाई प्लस बी डी वी वाई इंटू वाई, ओके, प्लस डेल्टा वाई ऑफ वी गामा वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, वी वाई को ना जो फंक्शन है उसको हम रेडियल फंक्शन फॉर्म लेकर चलते हैं ताकि वो इजीली सोल्व हो जाए, ये वाली इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाए। सो इट विल टेक जो वी वाई है उसे डब्ल्यू ऑफ आर लेके चल देते हैं, रेडियल फंक्शन यूज ले लेते हैं हम। सो हमने वी वाई को लिया डब्ल्यू ऑफ आर, लेकिन आर क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ वाई जो है उसको मैं आर बोल रहा हूँ, मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू आर। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि वी वाई को हमने क्या लिया है, रेडियल फंक्शन लेके चले डब्ल्यू ऑफ आर, वेयर आर इज मोड ऑफ वाई, ओके। तो हमें वैल्यू क्या क्या निकालनी है, आप इक्वेशन में देख सकते हो, हमें एक तो वैल्यू निकालनी है वी वाई, एक वी वाई का डेरिवेटिव करना है डी ऑफ वी वाई डॉट वाई, वो डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, ओके, प्रोडक्ट निकालनी है दोनों फंक्शंस की, एंड वी रेस्ट बार गैमा लेकर उसका डेल्टा ऑफ वाई निकालना है, ओके। तो ये टर्म्स हमें करनी है। तो वी वाई तो पहले हमें आ ही गया, ये तो डब्ल्यू ऑफ आर ही आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डी वी वाई निकाल के फिर डॉट प्रोडक्ट वाई से ले लेंगे हम, ओके। सो डी ऑफ वी वाई यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डी ऑफ वी वाई हमारा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लीजिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, पहले डब्ल्यू डैश आर, मतलब पहले इसका डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में, आर का विद रिस्पेक्ट वाई हो जाएगा चेन रूल, तो डब्ल्यू डैश आर इंटू आर का वाई के रिस्पेक्ट में कर्ल आर बाई कर्ल वाई, ओके। सो डब्ल्यू डैश आर, आर क्या है आपका, आर है मोड वाई, तो मोड वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन मोड वाई, राइट हैंड साइड में गिवन है, ओके, यू कैन सी हियर कि वाई बाय मोड वाई, ये आपका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर मैंने कलेक्ट करता हूँ वाई इंटू डब्ल्यू डैश आर अपॉन, ये मोड वाई क्या था, आर था, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, ओके। अब हमें टर्म क्या चाहिए थी, डी वी वाई, जो यहाँ पे इक्वेशन देखो आप, डी ऑफ वी वाई डॉट वाई है इक्वेशन सिक्स में, तो ये सेकंड टर्म जो है डी वी वाई डॉट वाई, तो वो लेके चल देता हूँ मैं, तो डी ओ वी वाई तो आपका ये था, इसकी डॉट वाई से ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, वाई 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 स्क्वायर हो गया, तो डब्ल्यू डैश आर बाई आर वाई स्क्वायर, लेकिन वाई ऑफ स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ वाई स्क्वायर, दैट विल बी द सेम थिंग, ओके। सो यू विल से दैट, यू विल से दैट कि मोड ऑफ वाई आपका क्या था, आर था, तो दैट विल बी द आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल होगा, आर आर डब्ल्यू डैश आर, सो ये वैल्यू आ गई आपकी डी वी वाई डॉट वाई की। अब हमें निकालनी तीसरी टर्म, जो तीसरी टर्म इक्वेशन सिक्स में ये निकालना चाहते हैं कि वी रेस्ट वर गामा लेकर उसका डेल्टा ऑफ वाई हम निकालना चाहते हैं, फिर सभी वैल्यू निकाल के हम सिक्स इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब उसकी वैल्यू को सोल्व कर रहे हैं हम, अब वी वाई आपका क्या था, ये था, पावर गामा ले लीजिए दोनों तरफ, तो डब्ल्यू रेस्ट वर गामा ऑफ आर, ओके, डब्ल्यू रेस्ट वर गामा, तो डेल्टा ऑफ वाई निकालना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आई था, तो वाई आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है किसका, डब्ल्यू पावर गामा आर का, ओके, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वी गामा का, तो क्या हो गया, डब्ल्यू गामा ऑफ आर, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो फिर वही चेन रूल, पहले इसका आर के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई आई कर दो, तो जब इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो गया, डब्ल्यू गामा आर डैश लिख दिया बस हमने इसे,
ओके और आर आपका क्या है, आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई आई निकालना है, लेकिन आर आपका क्या होता है मोड ऑफ वाई, मोड ऑफ वाई को क्या कह सकते हैं, रूट ऑफ वाई वन स्केयर प्लस वाई टू स्केयर प्लस वाई आई स्केयर प्लस अप टू डॉट डॉट वाई एन स्केयर। ओके जब अब वाई आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, टू वाई आई अपॉन टू रूट वाई वन स्केयर प्लस डॉट डॉट अप टू वाई एन स्केयर, लेकिन टू टू कैंसिल होकर आपका बनेगा वाई आई अपॉन रूट ऑफ दिस वन, लेकिन रूट ऑफ दिस वन आपका आर था तो वाई आई अपॉन आर आ गया। तो जो ये आर इसकी वैल्यू आई है कल आर बार कल वाई आएगी वाई आई बाय आर। अब हमने इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, फिर वाई आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए इस इक्वेशन का, दोबारा से वाई आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी कि राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, जब इसका वाई आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया सो यू कैन सी दैट अगेन, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं फिलहाल अभी कि एक इसे फंक्शन मान लो एक इसे मान लो, हालांकि तीन फंक्शन लेकिन एक इसे फंक्शन मान लो इसे मान लो, सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया पहले पहले का डेरिवेटिव इंटू में वाई आई आर एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव कद वाई आई ऑफ वाई आई बाय आर। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमने पहले का डेरिवेटिव लिखा तो डबल डैश हो जाएगा डब्ल्यू गामा ऑफ आर डबल डैश एंड इंटू वाई आई बाई आर ओवर आएगा, क्योंकि जैसे ये आया था तो वाई आई बाई आर इंटू वाई आई बाई आर प्लस इस ये एज इट इज। इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो फिर इसमें क्या लग जाएगा हमारा, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक तो वन बाई आर है एक इंटू वाई आई है, तो जब हम लिखेंगे वन बाई आर एज इट इज वाई आई का डेरिवेटिव वन माइनस वाई आई एज इट इज और वन बाई आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस वन बाई आर स्क्वायर इंटू आर का दोबारा से करोगे तो वाई आई के रिस्पेक्ट में तो वाई आई बाई आर, सो ये आ गया डेरिवेटिव। इनको अगर मैं कलेक्ट करता हूँ सो वाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू दिस वन, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ऐसे क्या हो गया वाई आई स्क्वायर बाई आर क्यू इंटू दिस वन। ओके बस हमें क्या लेना है, अब समेशन लेना है इसमें, ताकि समेशन ऑफ दैट आ जाए तो डेल्टा ऑफ वाई आई आ जाएगा। तो समेशन लिया इसका, अब जब इसका समेशन लिया यानी कि समेशन ऑफ हमने वी रेस्ट वर गामा की जो डबल डेरिवेटिव किया था उसकी वैल्यू ये रख दी सारी, जब इसका आप समेशन लोगे यू कैन चेक दैट कि जब हम इसका समेशन ले रहे हैं तो समेशन हमारा क्या हो जाएगा इंडिविजुअली, दैट इज समेशन ऑफ दिस समेशन दिस समेशन ऑफ दिस, सो आई हैव टेकन द समेशन ऑफ दिस वन, तो ये बार आई आई वाले टर्म्स अंदर रह जाएगी समेशन के बाकी सारे बाहर। ओके तो ये और ये आ गया समेशन, तो वाई आई स्केयर वाई वन स्केयर प्लस वाई टू स्केयर प्लस वाई एन स्केयर वो क्या हो जाएगा आपका आर स्केयर के इक्वल होगा, तो उसकी वैल्यू हो गया आर स्केयर, वन को एन टाइम्स ऐड करोगे दैट विल बी एन और ये क्या हो गया वाई स्केयर आर स्केयर हो गया। ओके तो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद क्या बचा आपका डब्ल्यू आर डबल डैश डब्ल्यू गामा ऑफ डबल डैश और यहाँ पे क्या बचा ये वाली सेम टर्म है डब्ल्यू गामा डैश अपॉन आर, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने कॉमन ले लिया क्या हो गया एन माइनस वन बाय आर तो आ गया और डब्ल्यू गामा ऑफ डैश इज देयर, सो ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गया। अब ये सभी के सभी इक्वेशन सिक्स है, सिक्स भी सिक्स को उठाकर हम कहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट कर देते हैं, जब इक्वेशन सिक्स में हमने पुट किया सो वी गेट दिस इक्वेशन, लेकिन जब ये इक्वेशन को यस री राइट करके लिख लेते हैं, डबल डैश की पहले लिख दी फिर सिंगल डैश की लिख दी फिर केवल डब्ल्यू डैश की लिख दी फिर केवल डब्ल्यू की लिख दी, टर्म्स को हमने रीअरेंज कर दिया। ओके तो हम क्या करना चाहते हैं टू मेक इट सिंप्लीफाई अगेन कि इस अल्फा को मैं क्या मानकर चल देता हूँ एन इंटू बीटा, इसको फिर दोबारा मैं बॉक्स कर रहा हूँ यू हैव टू कैप्ट इट रिमेंबर। ओके मतलब ये ध्यान रखना है स्टेप कि ये स्टेप हमने ध्यान रखने हैं तो फिर ईजिली एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, सो अल्फा इज इक्वल टू एन बीटा किया, जब अल्फा इक्वल टू एन बीटा मैंने सोल्व किया तो आपकी इक्वेशन ये बन गई दिस वन विल बी द इक्वेशन। सो जब ये इक्वेशन बन गई तो इसे सोल्व करना है, सो इसे सोल्व करने के लिए हमें पता है कि डब्ल्यू गामा का डबल डैश भी है और सिंगल डैश भी है, लेकिन अगर मैं इसे कलेक्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मतलब प्रोडक्ट रूल को कॉम्पैक्ट करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई विल से कि मैं आर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ आर एस्ट वॉर एन माइनस वन से, सो आर एस्ट वॉर एन माइनस वन से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया सो यू विल गेट दिस सी। ओके सो जी इसमें ये अलग पार्ट ले लीजिए अलग पार्ट ले लीजिए, इसमें सब बीटा कॉमन है तो बीटा को कॉमन ले लिया, तो यू विल से दैट कि आर एस्ट वॉर एन माइनस वन डब्ल्यू गामा डबल डैश, मतलब ये सोच लो कि ये क्या है आर एस्ट वॉर एन माइनस वन इंटू डब्ल्यू गामा डैश है, तो फर्स्ट एज इट इज डब्ल्यू गामा का डेरिवेटिव डब्ल्यू गामा डैश का डेरिवेटिव प्लस डब्ल्यू गामा डैश एज इट इज आर एस्ट वॉर एन माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो गया एन माइनस वन इंटू आर एस्ट वॉर एन माइनस टू, तो इसे मिला के हमने क्या लिख दिया इसे मिला के लिख दिया आर एस्ट वॉर एन माइनस वन इंटू डब्ल्यू गामा डैश का होल डैश प्लस इसमें बीटा कॉमन था ये क्या हो गया आर एन डब्ल्यू डैश प्लस एन आर एन माइनस वन डब्ल्यू, तो ये किसका डेरिवेटिव है ये आर एन इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव है, तो आर एन इंटू डब्ल्यू डैश, सो विल अप्लाई दिस थिंग। सो जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डैश कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेशन लोगे तो दिस एंड इसका डैश कैंसिल आउट दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू ए। ओके नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में आर टेंस टू इन्फिनिटी लेता हूँ आर टेंस टू इन्फिनिटी, सो फॉर द इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए कि अगर मैं आर एस टू पावर एन से डिवाइड कर रहा हूँ इस इक्वेशन को आर एस टू आर एन से,
स्टार इक्वेशन को, तो आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा आर स्क्वायर एन से डिवाइड किया तो डब्ल्यू आर डैश अपॉन आर प्लस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर एन। अगर मैं आर टेंस टू इन्फिनिटी ले लूँ इस स्टेप में, तो आर टेंस टू इन्फिनिटी लूँगा तो क्या आप लिखेगा जीरो प्लस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ से क्या आ गया, डब्ल्यू आपका किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। तो डब्ल्यू अगर जीरो है तो उसकी पावर कुछ भी लो, गामा पावर लेता हो तो वो भी जीरो। जब डब्ल्यू गामा ही जीरो है तो उसका डेरिवेटिव भी लेता हो, दैट विल बी अगेन जीरो। ओके, तो डब्ल्यू गामा और डब्ल्यू दोनों के दोनों क्या है, जीरो हो गए। कब, जब आर टेंस टू इन्फिनिटी है। तो आर टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर हम कह रहे हैं कि डब्ल्यू और डब्ल्यू गामा आपका जीरो हो गए। तो इसका मीनिंग है, अगर वो वैल्यू मैं स्टार इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएगा व्हेन आर टेंस टू इन्फिनिटी। तो वहाँ से ए क्या आ जाएगा, जीरो। और ए की वैल्यू जो जीरो आई है वो दोबारा से स्टार में रख देगी, तो आपके आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हम रीराइट करके कह सकते हैं, आर टेंस टू इन्फिनिटी लेन पे दोनों टेंस टू जीरो थे, वहाँ पे वैल्यू पुट करी तो कांस्टेंट आ गया जीरो। कांस्टेंट की दोबारा वैल्यू स्टार में रख दो तो दैट इक्वेशन विल बी दिया। ओके, अब हम आर एस आर एन माइनस वन से डिवाइड कर दूँ तो डब्ल्यू आर डैस प्लस बी आर डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन। अब डब्ल्यू गेम है डैस इज इक्वल टू माइनस बीटा आर डब्ल्यू। ओके, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डेरिवेटिव देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव गामा इंटू डब्ल्यू डेस्ट वर गामा माइनस वन इंटू डब्ल्यू का दोबारा करोगे तो डब्ल्यू डैस इज इक्वल टू माइनस बीटा आर डब्ल्यू, दैट विल बी देयर। ओके, अब जो ये w है, w को डिवाइड्स कर दीजिए तो w रेस्ट पर गामा माइनस टू हो जाएगा एंड वी विल गेट, एक गामा है, गामा को नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, दैट विल बी माइनस बीटा आर बाय गामा। तो ये आ गई इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ रिस्पेक्ट टू आर ओबियसली, सो यू इट विल बी w रेस्ट पर गामा माइनस वन अपन गामा माइनस वन माइनस बीटा आर बाई माइनस बीटा बाई गामा, आर को आ जाएगा आर स्क्वायर बाय टू एंड प्लस में कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आ गया आपका b। ओके, अब गामा माइनस वन को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो राइट हैंड साइड में करोगे तो दिस इंटू दिस, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट मान ले, तो मान लो सी मान लो इसे, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे सी कॉल करता हूँ सो यू से दैट सी माइनस ऑफ दिस थिंग ये आ गया। लेकिन हमने डब्ल्यू निकालना तो डब्ल्यू आकर क्या आ गया, सी माइनस दिस की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन, सो दैट विल बी योर वन अपॉन गामा माइनस वन। लेकिन अब दोबारा से हमें तो यू पे जाना था, यू क्या था वी वाई, लेकिन वी वाई क्या था डब्ल्यू आर और आर क्या था मोड ऑफ वाई, तो आर की वैल्यू पहले मोड वाई कर देता हूँ तो वी वाई आ जाएगा, वी वाई विल बी दिस वन, जहाँ पे आर था वहाँ पे मोड वाई पुट कर दिया हमने तो ये इक्वेशन बन गई। लेकिन वाई किसे माना था हमने, एक्स अपॉन टी की पावर बीटा, तो इसकी जगह कर दिया मोड वाई स्क्वायर का आ जाएगा मोड एक्स स्क्वायर बाई टी रेस्ट वॉर टू बीटा, सो ये इक्वेशन बन गई। लेकिन ये आपका क्या है, इसे वन बाई टी रेस्ट वॉर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका यू एक्स टी, सो यू एक्स टी आपका ये था ना वन बाई टी रेस्ट वॉर अल्फा इंटू वी ऑफ टी बीटा, तो वन बाई टी रेस्ट वॉर अल्फा से और ये वी ऑफ एक्स बाई टी रेस्ट वॉर बीटा की वैल्यू, तो यू एक्स टी आ गया आपका, सो ये यू एक्स टी आ गया। लेकिन हम अगर प्रीवियस इक्वेशन देखें जिसे हमने बॉक्स किया था, सो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अल्फा आपका क्या आया था, एक बार तो अल्फा को हमने एन बीटा पुट किया था, एक बार हमने अल्फा प्लस वन को अल्फा गामा प्लस टू बीटा पुट किया था। तो अगर मैं इसे भी अल्फा के लिए सोल्व करता हूँ तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है टू बीटा माइनस और टू बीटा माइनस वन अपॉन वन माइनस गामा, तो ये भी अल्फा की वैल्यू ये भी अल्फा की वैल्यू, सो कहने का मीनिंग है ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होगी, एन बीटा इज इक्वल टू टू बीटा माइनस वन अपॉन वन माइनस गामा। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी वन अपॉन एन गामा माइनस एन प्लस टू, तो अगर ये वाली बीटा की वैल्यू मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एन अपॉन एन गामा माइनस एन प्लस टू, एन को मैं लेके गामा माइनस वन प्लस टू, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर मैं ये पुट करता हूँ देन यू विल गेट दिस विल बी योर सोल्यूशन। सो इसे कलेक्टिवली फॉर्म में हमने नीचे की तरफ लिखा है बॉक्स में शो किया है कि दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ द सिमिलैरिटी अंडर स्केलिंग ऑफ द पोरस मीडियम इक्वेशन, मतलब पोरस मीडियम इक्वेशन का सोल्यूशन है ये, जिसे आप क्या बोल सकते हो स्केलिंग इनवेरियंट सोल्यूशन भी कह सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड बैरन ब्लैट सोल्यूशन ऑफ द पोरस मीडियम इक्वेशन। एक बार ये क्वेश्चन भी आया इस तरीके से फॉर्म से, कभी आपको ये पता ही ना चले कि बैरन ब्लैट सोल्यूशन क्या है। सो बैरन ब्लैट सोल्यूशन पोरस मीडियम सोल्यूशन और पोरस मीडियम इक्वेशन का वही है जो स्केलिंग इनवेरियंट सोल्यूशन है। ओके, so that is the important one also, so please have a look on that. If you get any of the problem over here, you can ask me on the group. Thank you very much, student.